हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी आ गई हूँ मैं छत पे कपड़े डालने के लिए जो रात को मैंने धोए थे, पर लेकिन अभी तक धूप नहीं आई है। पता नहीं धूप कब आएगी, पर मैंने सोचा थोड़ी बहुत हवा से ही सूख जाएंगे कपड़े। वैसे तो ड्राई होके आते हैं कपड़े, पर पता नहीं अब सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे आज के डेट में। पता नहीं धूप क्यों नहीं आ रही आज। कल तो थोड़ी बहुत आ तो गई थी, पर लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैं आ गया हूँ रिचू के पास। ये मेरा सामान वगैरह पड़ा है, ये है हेयर कलर, और यहाँ पे हम खा रहे थे सोया कटोरी अभी अभी। तो कपड़े वगैरह ऐसे खिला रहे कर रखे हैं रिचू ने। ये तो मेरी जैकेट है। आज यार फिर से रीशूट करना है हमने ऐड का। कल जो शूट किया था ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि हमने एजेंसी को भेजा, उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो। तो फिर से रीशूट करना पड़ रहा है हमें। देख लो कितना सिरदर्दी होती है एक ऐड शूट करने के लिए। ये तो शुक्र मनाओ अभी हम फोन से शूट कर रहे हैं। जिस दिन हम कैमरे से करेंगे ना, उस दिन तो भाई 10 टेक 12 टेक, ये एंगल वो एंगल, फ्रंट एंगल, मतलब 4-5 दिन लग जाएंगे। तो ये वाली ऐड तो हम लोग एक दिन में ही बना लेते हैं, क्योंकि फोन से बनाते हैं ना। बाकी सामान वगैरह पड़ा है बाहर। यार बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत बहुत ज्यादा ठंड है भाई। हाथ पैर पूरे जाम हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से आज बहुत दिन के बाद थोड़ी सी धूप आई थी, हाँ 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद वो भी गायब होगी। तो अभी हम लोग कर रहे हैं शूट, और रीचू कर रही है यहाँ पे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में डांस कर रही हूँ मैं तो। इसने सेम टू सेम वही कपड़े डाल रखे हैं 3-4 दिन से, क्योंकि हम तो 3-4 दिन से सेम ही शूट करी जा रहे हैं। फाइनल करनी है ना, क्योंकि फाइनल करनी है, पैसों का सवाल है ना। लाइटिंग वगैरह फिर से कर दी हमने, आज थोड़ा सेटअप चेंज किया है, लाइटिंग वगैरह यहाँ रखी है, और इसको आज हम क्लोजअप में शूट करेंगे। क्यों रीचू? यस, क्योंकि हमारे इसी की वजह से अपनी वीडियो कैंसिल हुई है, हमारी पिछली वाली वीडियो। निखिल पूरे घर पे गंदा डाला हुआ है यार। यहाँ पे तुमने जूते रखे हैं, यहाँ पे तुमने अपनी जैकेट रखी है, चार्जर रखे हैं, चप्पलें रखी है हर जगह। जब भी तू यहाँ आता है ना, गंदी गंद डालता है। इस जैकेट को रखकर ढंग से, तेरे को ये वाला कॉर्नर दिया ना, इसमें अपने कपड़े रखा कर, जितने भी तेरे शूट के होते हैं। इसमें डाल दूं तेरी जैकेट? बोला मेरे को नहीं पता, बाहर फेंक दे। इसमें रखती हूँ तेरे जैकेट। अरे वाह, तो इसके जैकेट में मैं देख रही थी कि क्या है, तो आगे चॉकलेट मिली मुझे। हाय, कैसे, कब लाया था, क्यों लाया था, किसके लिए लाया था? अगर मेरे लिए लाया मैं था। आ रहा था ना रास्ते में, और आते आते मैंने सामान वगैरह लिया, तो चॉकलेट भी दिखी मुझे, मैंने ले ली चॉकलेट और जेब में पा ली। तो मैंने सोचा जब घर आऊंगा ना चोर इसको की है दे, ये? नहीं मैंने खरीदी है, मैंने सोचा जब घर आऊंगा ना तो इसको दूंगा मैं, बट लेकिन वो ना जैकेट की जेब में रह गई, और मैं भूल गया कि मैं चॉकलेट भी लाया था। तो ये जैकेट वगैरह यहाँ वहां से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है, तो इसको जेब में कागज की आवाज आ गई, तो उसको चॉकलेट मिल गई, बहुत खुश हो रही है ये अब चॉकलेट के लिए। ये चॉकलेट मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, डेयरी मिल्क की है। 10 की है ये। 10 की तो है तो डेयरी मिल्क की लिखा हुआ है। मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, मैंने नहीं खाई है ये पहले। आज लग रहा है मंच है, मंच स्टाइल है ये। पर टेस्टी बहुत है गाइस। खाना प्रमोशन नहीं कर रही मैं इसकी। फिर से वीडियो बनाई और फिर से कैंसिल कर दी उन्होंने। आज उन्होंने मेरे कपड़ों पे बोल दिया कि कपड़े अच्छे नहीं है, वो नहीं है, चेंज करो, कुछ अच्छे जैसे कपड़े पहनो, बाकी अपने हेयर ढंग से रखो। तो अब मैं और निखिल जा रहे हैं रेडी में से कपड़े लाने क्योंकि शूट के लिए यार, एड के लिए मैं यहीं से ही कपड़े लाती हूँ। मैं स्पेशल शोरूम में तो नहीं जा सकती एक एड के लिए कपड़े लाने के लिए। ठीक बोला निखिल, है ना? तो अभी हम जा रहे हैं रेडी से कपड़े लाने, कहीं मिल जाए हमें 100 100 200 का। ब्लैक कलर की ड्रेस पहननी है, नाइट ड्रेस पहननी है फुल, तो मतलब वो ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा। या तो मैं सोच रही हूँ हुडी ले लूंगी एक। लेटा हुआ है, चल नहीं रहा है निखिल, कपड़े पहनो चल। बहुत ठंड है, बाद में घर भी जाना है मुझे तो। यार जल्दी चल यार, दुकानें बंद हो जाएगी, रेडी है बंद हो जाएगी, फिर चलेगा तू? रेडी कैसे बंद होती है? रेडी तो उठ के जाएगी। जो भी मर्जी है उठो। ठीक है ओके। या तो फिर नहीं मिले पर बाद में, तो बीआईपी रोड जाना पड़ेगा। बीआईपी रोड आवाज मत कर, जाना पड़ेगा, तुमको जाना पड़ेगा। वीडियो के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम, 10 बार वीडियो बोलेंगे बनाने को तो बना के देंगे भाई छोड़ेंगे नहीं, है ना निखिल? नींद आ रही है इसको, थक गया यार। सुबह से 12 बजे का आया है, 1 बजे से हम वीडियो बनाने लगे, और अभी फ्री हुए थे एडिट करके दी, तो उन्होंने बोला ये वो जो मैंने आपको बोला वही बोला उन्होंने। अभी मैं
फुल पैक हो गई हूँ, निखिल भी पैक हो ही रहा है अभी, क्योंकि यार बहुत बहुत ज्यादा ठंड एंड धुंध आई है, पर फिर भी हम स्ट्रगल करेंगे वीडियो के लिए, पक्का फुल स्ट्रगल करेंगे, है ना निखिल? इसको तो बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि इसको ठंड लग रही है ना, पहले इसने मेरे को वीडियो बनाने में 3 घंटे लगाए, ऊपर से अब कल फिर से 3 घंटे लगाना पड़ेंगे, ऊपर से बड़ी भारी टेंशन है यार लाइफ में। हम सोचते हैं कि वीडियो बनाना इजी होती है, पर इजी नहीं होती गाइस, एक बार बना के देखना आप कभी। निखिल ने मुझे मना किया रेडी मार्केट से लेने के लिए, इसने बोला ढंग की दुकान से ले ले, तो मैं अभी आई हूँ यहाँ से लेने के लिए। बोल रही हूँ कि 300 में दे दो, पर भैया दे नहीं रहे हैं। दे दो भैया 300 में, डन कर दो, ये पसंद किया मैंने ब्लैक में। भैया दे दो 300 में, नहीं होगा, हो जाएगा भैया, ना 400 नहीं 300 डन है। तो फाइनली गाइस ये रिचु ने यहाँ से ये चीजें ले ली है, कल एड शूट करनी है ना, तो अर्जेंट लेना पड़ा हमें, वरना तो कोई जरूरत नहीं थी हमें लेने की। लो इसने पैसे भी सेंड कर दिए हैं, मतलब रोज मेरा चूना लग रहा है, पैसे किसने कमाए आंटी, रोज मेरा चूना लग रहा है, रोज मेरे पैसे उड़ रहे हैं रोज। कोई ना गाइस हमने ले लिया 300 में, दे दिया हमें इन भैया ने, तो ले तो लिया, आप घर निकलते हैं। नहीं अभी सिस्टर के लिए दवाई लेनी है, क्योंकि वो बोल रही थी डोलो ले आना आते हुए, तो हम डोलो वगैरह उसके लिए लेके ही जाएंगे। रिचू अभी हम ले रहे हैं यहाँ से डोलो दीदी के लिए, टमाटर भी लिए, आजकल 10 रुपए किलो हो रहे हैं टमाटर, देखो कितने छोटे छोटे आलू आलू खराब हो गई है तेरी, आलू को टमाटर बोल रही है ये, प्याज को तो तुम फिर बैंगन बोलेगी। अरे हो जाते हैं, हो जाता नहीं है, ज्यादा पैसे फूक दिए लग रहा है तूने, फूक दिए 10 रुपए किलो है आलू। अभी मैं बताती हूँ कि मैंने क्या लिया है, तो मैं भी इसको अनबॉक्स कर रही हूँ। अनबॉक्स नहीं होता वो, अनथैला होता है, ठीक है। तो वहां पे तो हम लोग दिखा नहीं पाए थे अच्छे से ना, क्योंकि जगह कम थी वहां पे, और अच्छे से दिख भी नहीं रहा था, कपड़ों के ऊपर कपड़े, कपड़े के ऊपर कपड़े थे वहां पे। यहाँ दिखाते हैं हम आपको कैसा सा इसने लिया है, जो हमने वीडियो में डालना है, तो आपको पहले रिवील कर देते हैं यार, कोई चक्कर नहीं। पर एक बात है, वीडियो के चक्कर में मेरे कपड़े बन जाते हैं, पर यार कलर अलग अलग होते हैं, पर ये तो मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, तो मैंने लिया है ये, देखो ये लॉन्ग ही लेके किया मैंने, लॉन्ग और थोड़ा खुला खुला इसलिए लिया कि कंफर्टेबल होके मजे से इसके अंदर से स्वेटर भी पहन ले, कुछ भी पहन ले, बहुत अच्छा होता है। और ये दिल, दिल है, चल ठीक है, दिल नहीं है ये, मिक्की माउस का ऐसे, और इसका पजामा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट करके बताना आप कैसा लग रहा है आपको, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी इसकी शक्ल तो गंदी है, कुछ कर नहीं सकते इसका, बट लेकिन कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कपड़ों की वजह से ये अच्छी लगती है, इसकी वजह से कपड़े नहीं अच्छे लगते, कपड़ों की वजह से ये अच्छी लगती है। अभी रिचू यहाँ पे बना रही है कॉर्न, अभी पता नहीं क्या बनाएगी इसका, मुझे नहीं पता, पर कॉर्न इसने डाल दिए हैं गर्म करने के लिए, मतलब उबालने के लिए। और हाँ इस, मेरे ना कॉर्न बहुत ज्यादा फेवरेट है, बहुत ज्यादा कॉर्न बहुत टेस्ट लगते हैं मुझे, ये पिज्जे में भी कौन सा वाला पिज्जा, हाँ कॉर्न पिज्जा, स्वीट कॉर्न पिज्जा, हाँ वही खाते हैं, और कॉर्न तो इसको ऐसी कटोरी भर के दे दो खा जाएगा कच्चा ही। अगर कहीं पे शूट वगैरह होता है ना, तो वहां पे मैं भी स्पेशल बोलता हूँ कि मेरे लिए कॉर्न मंगा देना यार, आई लव कॉर्न, तो कॉर्न मेरे लिए फेवरेट है। पर मुझे ये ना कौन खिलाता है ना मुझे कुछ खिलाता है, मैं खा लूं पहले, सारे पैसे तो तू लगवा देती है, जैसे आज लगवा दिए, कभी इसको मशीन चाहिए होती है, कभी इसको शूट के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, कभी इसको जूते चाहिए होते हैं, कभी चप्पल चाहिए होती है, आधा पैसा तो मेरा ये लुटवा देती है। बताना कैसे लगे तुझे, झूठ झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, सच में बहुत टेस्टी है, सच में खा रहा हूँ मैं, अच्छा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत टेस्टी है। तो गाइस देखो मैं कितनी अच्छी शेफ हूँ, मैं कितनी अच्छी अच्छी चीजें खिलाती हूँ निखिल को, बिल्कुल सही है, है ना, सही बोल रहा है तो, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि खाने पे ध्यान है, बहुत टेस्टी बना है तो मैं दबा दब खा रहा हूँ। तो गाइज अभी हमने वीडियो का स्यापा फिर से ले लिया, क्योंकि हमारी वीडियो फिर से वो कैंसिल हो गया, मैंने बोला था ना वो कपड़ों की वजह से, अभी मैंने कपड़े फिर से पहन लिए वो जो हम नए लाए थे अभी, और अभी हम बना रहे हैं वीडियो। निखिल यहाँ पे ये फिर से खज्जल हो रहा है, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और साथ में नींद भी आ रही है, और इसने इतने अंधेरे में अपने घर भी जाना है, क्योंकि उसको काम है, शूट रहा है सुबह, ऐसा बोल रहा है, बाकी मुझे नहीं पता है कि नहीं है। और तो गाइस अभी हम वीडियो बना रहे हैं, चलो वीडियो शूट कर लेते हैं,
और ये हमारा लाइट का सेटअप है यहाँ पे लगा हुआ। मैं बोलूँ मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इस टाइम, क्योंकि मैंने स्टैंड पे ही कैमरा लगा रहा है तभी इतना हिल रहा है। तो चलो अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही थी और मैं देख रही मैंने व्लॉग एंड ही नहीं किया क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी मतलब तीसरी बार वीडियो बनाई मैंने और अभी तो मैंने सोच लिया अब तो मैं बनाने वाली नहीं हूँ। चलो गाइस व्लॉग एंड कर देती हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कर दो एंड शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।